ओके okay. तो so की भी कोई की है हम इसमें भी देख लेते हैं कि कौन सी uh, uh, कौन सी सी चीजें कॉस्ट 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 वेरिएबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह इन चीजों के मुतालिक और फिर uh, ये के हम कॉस्ट डेटा को यूज कैसे कर सकते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है uh, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोडक्ट बनाता है तो उसके मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल लेबर और इसके अलावा अदर बिजनेस के लिए सिंपल है। जो, जो बेच रहे, example, उसके लिए कॉस्ट है उसने कितने की खरीदी और उस बाकी फिक्स कॉस्ट वगैरह क्या इन करके उसको बेचना है ठीक है तो ये इस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो उसने बनाने पे एक्सपेंस किए और जो जो सर्विसेज बिजनेस है रिटेल फॉर एग्जांपल उसने चीज़ों को बाय करने में और उसको बेचने पर क्या एक्सपेंस किया ये उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है सवाल जो तो बहुत अहम में आता है जो कि पेपर में बार, बार 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 टेस्ट होता है वो ये कि हमें एक्यूरेट कॉस्ट डेटा क्यों चाहिए होता है क्यों हमें ज़रूरत है कि हमारे पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही हो सबसे पहली रीजन ये है कि अगर हमारे पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन सही नहीं है ना तो हमें पता नहीं है कि हम बिजनेस में कैसा परफॉर्म करें ठीक है तो हमें सबसे पहले तो एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि हम क्लियर कर सकें कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमने प्रोडक्ट कितने की बनाई है और वो इसलिए कि अगर हम एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो देन वी कैन डू दी डिसीजंस मिसाल के तौर पर uh, हम ये कर सकते हैं कि हमने सेलिंग प्राइस कितनी चार्ज करनी है हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने uh, दूसरे बिजनेस कैसे करना है बिकॉज द वन हु इज मेकिंग चीपर विल बी मोर एफिशिएंट ना वही ज्यादा चीजें बेच सकेगा क्योंकि उसने सस्ती बनाई उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी फिर इसी तरह सेलिंग प्राइस डिसीजन में हमने कॉस्ट बेस्ड सेलिंग प्राइस पड़ी हुई है यूनिट थ्री में सेक्शन थ्री में के वो क्या करते हैं कॉस्ट में मार्कअप एड करते हैं और अपनी सेलिंग प्राइस निकालते हैं और इस चैप्टर में इसके कैलकुलेशन के सवाल भी आते हैं तो वो जो मार्कअप बेस्ड प्राइसिंग डिसीजन है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और अगर गलत कॉस्ट कैलकुलेट की होगी तो मार्कअप भी सही नहीं निकलेगा ना ठीक है और फिर अपनी यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने में ताकि हम डिफरेंट तरह के कंपैरिजन कर सकें अच्छा ये जो सवाल आता है हमें बहुत सिंपल है कॉस्ट बेस्ड सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने में हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें अगर यूनिट कॉस्ट मौजूद है मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोडक्ट बनाई है दस डॉलर की और उसके ऊपर जो मार्कअप है वो हम चार्ज करना चाहते हैं ट्वेंटी परसेंट तो हम क्या करेंगे टेन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी परसेंट आंसर इज टू तो ये जो टू है ये हमारा प्रॉफिट है जो हम उस प्रोडक्ट पे चार्ज करना चाहते हैं इसको मार्कअप प्रॉफिट कहते हैं तो हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट प्लस

क्यों चाहिए होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कौन सी है uh, हमारे पास फिक्स uh, कॉस्ट है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है uh, इसके अलावा सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी है. अगर आप इसको नहीं भी याद करें सेमी वेरिएबल को तो पेपर के लिए दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट खेर फिक्स कॉस्ट वो है दैट डज नॉट चेंज विद द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ठीक है वो आउटपुट थोड़ा बनाए या ज्यादा वो सेम रहेगी और फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं जैसे हम ओवरहेड्स भी कहते हैं तो फिक्स कॉस्ट होती है जैसा कि रेंट जैसा कि इंटरेस्ट अगर हम किसी बिल्डिंग में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ हजार यूनिट बनाए दस हजार द रेंट विल रिमेन सेम तो विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स ऑफ आउटपुट इट विल रिमेन सेम इसको हम क्या बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं

एक और टर्म डेफिनेशन की तक हम से टेस्ट होती है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पे होती है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग थाउजेंड यूनिट्स और उसकी जो कॉस्ट आ रही थी टेन थाउजेंड डॉलर आ रही थी अब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया वन थाउजेंड एंड वन यूनिट जब बनाए तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इनको रही वो ट्वेंटी डॉलर थी और आपकी टोटल कॉस्ट होगी वन थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी डॉलर तो जो एक्स्ट्रा ट्वेंटी डॉलर आपने इनकर किए हैं दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट इसके फॉर्मूले से भी पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन आउटपुट तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आप इनकर करते हैं एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में वो क्या कहलाती है वो मार्जिनल uh, कॉस्ट कहलाती है ओके okay? uh, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के लिए uh, टर्म्स यूज होती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट तो उसकी जरा हम डिफरेंस भी देख लेते हैं डायरेक्ट कॉस्ट द एक्सपेंसिस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन जिनको हम प्रोडक्ट के अंदर देख सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल नजर आता है ना प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिफाइबल होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट के फैक्ट्री में इनकर हुआ होता है दैट इज नॉट डायरेक्टली तो उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं तो ये डिफरेंस है जो हमें याद रखना चाहिए अच्छा अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात की तरफ जिस पे ये हमसे जो कॉन्सेप्ट मेजरली जो ट्रांसफर हुआ है टू से ए वन में और जो कि हमसे टेस्ट होता है वो ये है कि ये दो अप्रोचेस के हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और फुल कॉस्टिंग अच्छा फुल कॉस्टिंग सिंपल है फुल कॉस्टिंग ये है कि आप जब प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालें तो आप वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को कंसिडर करें बहुत सिंपल जब आप किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालें तो आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसिडर करें तो ये जो अप्रोच है ये क्या कहलाएगी फुल कॉस्टिंग कहलाएगी जबकि इसके डायरेक्ट कॉन्ट्रेरी जो अप्रोच है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग वो ये है कि जब किसी प्रोडक्ट की हम सेलिंग प्राइस निकालें तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करें अब ये डिफरेंस क्यों है ये हम मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं ये हमने असल में समझना है मार्जिनल कॉस्टिंग हम इसलिए पढ़ते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है नए बिजनेसेस के लिए कि वो शुरू के दिनों में अपने फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करके अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसको कैलकुलेट करें क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा और शुरू में जो आ, आ, हम बना रहे होते हैं प्रोडक्ट्स वो थोड़ी बहुत ही कम होती हैं तो हम अनकम्पेटिव हो जाते हैं मार्केट में अगर हम फिक्स कॉस्ट को चार्ज करके अपनी सेलिंग प्राइस निकालने की कोशिश करें क्योंकि अगर आप एक फैक्ट्री का किराया एक लाख रुपए है और उसमें आप सिर्फ एक हजार चीजें बना रहे हैं तो भाई फिक्स कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है वो तो हंड्रेड डॉलर या हंड्रेड रुपीज पर यूनिट से भी ज्यादा आ जाएगी तो ये बहुत ज्यादा बनेगी तो अब आप उसको फिर इग्नोर कर देते हैं आप कहते हैं नहीं इतनी ज्यादा

सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट यहाँ मैंने कहीं लिखा भी होगा ये selling price minus variable cost, ये सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये कॉन्ट्रीब्यूशन होती है तो क्या आप कॉन्ट्रीब्यूशन की बेस पर डिसीजन कर सकते हैं अगर यानी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर अगर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव अगर यहाँ पे लॉस शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट इज डूएबल फिर जब आप ग्रो करेंगे फिक्स कॉस्ट बाद में एलोकेट करते रहेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहलाता है कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है